लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पनवेल के बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने एफडीए मंत्री राजेंद्र सिंघने को निवेदन देकर रेमडेसिविर इंजेक्शन तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रशांत ठाकुर ने रायगढ़ और पनवेल में चल रही रेमडेसिविर की किल्लत और परेशान कोरोना मरीजों का हवाला देते हुए इस मांग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पनवेल के सरकारी अस्पतालों और अधिकृत कोविड केयर हॉस्पिटलों में भी रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों के परिजनों को ज़्यादा पैसे चुकाकर इंजेक्शन लेनी पड़ रही है। जैसे जैसे कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे ही पनवेल और रायगढ़ के सरकारी अस्पतालों और अधिकृत कोविड केयर हॉस्पिटलों में रेमडेसिविर की किल्लत बढ़ते जा रही है। इसके लिए बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने खाद्य एवं औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र सिंघने को निवेदन देकर रेमडेसिविर जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रशांत ठाकुर की माने तो इंजेक्शन नहीं उपलब्ध होने से जहां मरीज बेहाल हैं, वहीं परिजन ज़्यादा पैसे देकर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि औषधियों के अभाव में मरीज जान गंवा रहे हैं, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि मरीजों की जिंदगी बचाने तत्काल रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।